इंदौर में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जयंती को धूमधाम से मनाया गया। मध्य भारत वर्षीय ब्रह्मा समाज ने इस मौके पर बौद्धिक परामर्श केंद्र का लोकार्पण किया, जिसमें सांसद शंकर लालवानी, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी मौजूद रहे, जिन्होंने राजा राम मोहन राय के जीवन पर प्रकाश डाला। देखिए ये रिपोर्ट। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती पर मध्य भारत वर्षीय ब्रह्मा समाज ने बौद्धिक परामर्श केंद्र का शुभारंभ किया। यहां पर शहर के नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की निशुल्क सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर मौजूद रहे इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा कि आज के समय में व्यक्ति अपनी बातें साझा करने में कोताही बरत रहा है, जिसका नतीजा मानसिक बीमारियों के रूप में सामने आ रहा है। इसीलिए आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श की काफी जरूरत है। अभिनव प्रकल्प इंदौर के ब्रह्म समाज ने हाथ में लिया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सच कहा जाए शंकर भाई, वो बौद्धिक परामर्श केंद्र आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हम रोज सुबह जब अखबार के पन्ने पलटते हैं तो 3-4 ऐसी खबरें मिलती है जो हमको झकझोर देती है, और बहुत छोटे छोटे कारण से लोग अपनी जान लेते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तो समाज में संवादहीनता बढ़ती जा रही है, आसपास में जो व्यक्ति बैठता है वो भी एक दूसरे की बातें शेयर करने से परहेज कर रहा है, इसी कारण ऐसी घटनाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। तो डॉक्टर राजा सिंह के अगुवाई में जो ये सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित तौर पर इस शहर को मिलेगा, और अवसाद के कारण जो घटनाएँ हो रही कहीं ना कहीं उन पर प्रतिबंध लगेगा। दूसरा जो बहुत ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे युवाओं को इस तरह के परामर्श केंद्र में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने ब्रह्मा समाज की तारीफ करते हुए कहा कि राजा राम मोहन राय मार्ग पर चलकर भलाई के कामों को पूरा कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय जी की 250वीं और इस जयंती के अवसर पर आपने बहुत ही पुण्य का काम किया है, परामर्श केंद्र प्रारंभ करने जा रहा है। वास्तव में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, और ये चिंता का भी विषय है कि कोविड के बाद इस प्रकार के बहुत सारे केसेस आए हैं। मैं मानसिक चिकित्सालय के डॉक्टरों से भी मिला हूँ, और समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके परिवार में मानसिक समस्या रहती है लेकिन वो बाहर बताते नहीं है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा ये युवा साथी है जो थोड़ा बहुत समझता है, उसको थोड़ी अगर मदद कैंडिडेट मिल जाए तो वो खुद आजकल डॉक्टर के, मैंने मानसिक चिकित्सा रोगी डॉक्टरों की मीटिंग ली थी कोविड के बाद, मानसिक रोगी अगर ठीक हो जाता है तो आप समझिए वो तो ठीक होता है, उसका पूरा जीवन ठीक होता है, परिवार को भी जो समस्या थी वो दूर होती है। तो इसके लिए बधाई देता हूँ, भाई साहब ने बहुत ही विस्तृत तरीके से समाज का काम कर रहा है। समाज भाई साहब ने बताया शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, महिलाओं को आगे बढ़ाने में, हर क्षेत्र में समाज काम कर रहा है। तो मैं समाज को बधाई देता हूँ कि जो राजा राम मोहन राय जी ने संकल्प शुरू किया था उसमें महिलाओं को आगे लाए थे, महिलाओं को शिक्षित किया था। बहुत सारे हम पढ़ते हैं, इतिहास में पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, ब्रह्मा समाज के द्वारा जल संरक्षण को लेकर भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाता रहा है, जिसको लेकर भी अतिथियों ने जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।